गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर के लेसन थ्री, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है भारत का, सबसे पहले हम आपको बता दें, भारत का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो आपका है थार। क्या है? थार है। और आज हम लोग जानेंगे कि थार डेजर्ट जो है भारत के किस हिस्से में है और यहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन है वो क्या है। इसके अलावा इसके आगे हम जानेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों की जीवन किस प्रकार बीतते हैं। तो बारी बारी से हम इस पॉइंट को जानेंगे। सबसे पहले आपका बुक जो होना चाहिए आपके सामने होना चाहिए और जिसको हम पढ़ाएं उसको आप फॉलो करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आगे सबसे पहला पॉइंट है लोकेशन, यानी कि जो आपका डेजर्ट है इसका लोकेशन क्या है। इसको जानने के लिए हम सबसे पहले आपके बुक से देखते हैं, तक द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स। जैसा कि ये आपका जो है ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी कि थार डेजर्ट जो है वह जो प्लेन्स हैं फर्टाइल प्लेन्स हैं यानी कि समतल क्षेत्र जो हैं उससे पश्चिमी क्षेत्र पे उपलब्ध है, पश्चिमी क्षेत्र में मौजूद है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है थार डेजर्ट। इसका मतलब कि ओरिजिनल नाम है जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसका नाम है थार डेजर्ट। आगे बढ़ते हैं, और ये जो है विच स्ट्रेचेज फ्रॉम द गुजरात प्लेन्स इन द साउथ एंड द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन नॉर्थ। और इसकी दक्षिणी जो छोर है वह गुजरात से जुड़ी हुई है और उत्तरी जो क्षेत्र है वह पंजाब और हरियाणा से जुड़ी हुई है। इसके आगे इसके लोकेशन में हम जानेंगे। इसके अलावा इसको जो है अरावली हिल्स जो है वो क्या कर देती है, इसके एकदम पश्चिमी छोर पे पड़ी हुई है और अरावली हिल्स के कारण यहाँ पे जो मानसून हवाएं हैं उसको आने से रोक देती है। इसके अलावा हम जानेंगे कि ये लगभग जो इसका लोकेशन है भारत के राजस्थान स्टेट में, किसमें? राजस्थान स्टेट में मौजूद है। पूर्ण रूप से यह राजस्थान में ही उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन जानेंगे। तो हम जानते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है अरावली पर्वत सबसे पहला क्लाइमेटिक कंडीशन जानने के लिए हमें डेजर्ट का डिफिनीशन ही समझ लेना है, बाकी विशेष कुछ नहीं समझना है। डेजर्ट का तात्पर्य होता है कि जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम हो, रेनफॉल यानी कि बारिश एकदम कम हो, वह क्षेत्र डेजर्ट कहलाता है। और राजस्थान जो है यहाँ पे बारिश कम होने के कारण यहाँ का क्या हो गया, तो यहाँ की जो ज़मीन है वह मरते गई और उसका उपजाऊपन ख़त्म होते गया और जिसके कारण ये मरुस्थल हो गए और ये डेजर्ट हो गए। और इसका मुख्य रीज़न ये है कि जो बारिश कराने वाली हवाएं होती हैं, मानसून हवाएं जो होती है उसको अरावली पर्वत अवॉइड कर देता है, रोक देता है उसको रोकने के कारण यहाँ पे बारिश की जो एवरेज रेनफॉल जो है वह बहुत कम होता है। और इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी और सर्दी के दिनों में ज़्यादा सर्दी अनुभव किया जाता है। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ के वेजिटेशन के बारे में जानते हैं। तो अब हम समझ रहे हैं, जैसे कि ये वेजिटेशन के बारे में जानेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि जब बारिश कम होगी तो सभी पेड़ पौधों को जीने के लिए, बढ़ने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। और जहाँ पे बारिश कम होती है डेजर्ट में, जिसके कारण यहाँ की वेजिटेशन जो है ज़्यादा मजबूत नहीं है। और यहाँ के जो मुख्य पौधे हैं वो आपका कैक्टस है, बबूल है, कीपर है, और यही आपके यहाँ के
प्रमुख पौधे हैं और यहाँ के वेजिटेशन जो होते हैं इसी के कारण कमज़ोर हो गए हैं। रही बात अब यहाँ के जो लोग होते हैं, ज़्यादातर जो शहरों का, ये ऐसे माना जाए तो राजस्थान क्या बोलते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू स्कर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी से यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग रहने वाले हैं वो आपका क्या है शहरों से वैसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पानी की कुछ व्यवस्था उपलब्ध हो, जिसे ओएसिस कहा जाता है, यानी कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ओएसिस के आसपास ही रहते हैं। और ओएसिस कहने का मतलब है कि ओएसिस मीन्स ए पीस ऑफ द ए प्लेस इन द डेजर्ट वेयर ग्राउंड वाटर कम्स टू द सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, यानी कि ओएसिस उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे राजस्थान यानी रेगिस्तान की भूमि में क्या किया जाए वाटर प्राप्त किया जाए। और मान लीजिए कि जैसे माना जाता है कि जीवन चलाने के लिए जो वाटर है वो बहुत ही नेसेसरी होता है, तो जहाँ पे वाटर आसानी से उपलब्ध होगी वहीं ना कोई अपना रहना चाहेगा, तो वैसे ही जहाँ ओएसिस होता है यानी कि जहाँ जल का व्यवस्था होता है वहाँ पे लोग रहते हैं राजस्थान में। इसके अलावा राजस्थान में एक और चीज़ ओएसिस के अलावा एक और चीज़ देखने के लिए मिलता है आपको, सैंड ड्यून्स। अब ये आपका सैंड ड्यून्स क्या होता है, तो हवाएं जब तेज चलती है रेगिस्तानों में तो वहाँ पे जो आपका रेत है सैंड्स वो चलते चलते एक जगह पे रुक जाते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं और एक टीला सा बना देते हैं, और वो टीला सा बनाने के टीला समझते हैं ना, एक ऊंचाई से नॉर्मल ऊंचाई से थोड़ा सा ऊंचा, तो उसे ही सैंड ड्यून्स कहा जाता है। यानी कि एक सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं कि ये हिल्स सॉरी ए ड्यून्स विच इज मेड ऑफ सैंड इज कॉल्ड सैंड ड्यून्स इन द डेजर्ट। डेजर्ट में सैंड द्वारा बनाए गए टीले को सैंड ड्यून्स कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, इसके अलावा और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था है वह सबसे ज़्यादा डेजर्ट में सबसे ज़्यादा कैमल पे रहता है। इसके लिए भी रीज़न है क्यों होते हैं कैमल यहाँ के लिए पीसेस करके यहाँ के ट्रेवलिंग के लिए, तो सबसे पहली बात कैमल यहाँ के वातावरण के लिए सही होते हैं। कैसे, तो सबसे पहले दे हैव एबिलिटी टू लिव विदाउट वाटर फॉर ए मंथ। वे लोग लगभग एक बार पानी जब पी लेते हैं या तो लगभग अपने आप को एक महीने तक सर्वाइव कर लेते हैं। दूसरी उनमें क्वालिटी क्या होती है, तो उनकी जो पैर होते हैं वो उसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो गद्देदार होता है। गद्देदार होने के कारण क्या होता है कि बालू पे चलते समय रेत पे चलते समय उनके पैर जो होते हैं धंसते नहीं हैं और जिसके कारण वो आसानी से चल पाते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे आपका, इसके अलावा ये यहाँ की इकलौती नदी है, ठीक है, मात्र इकलौती नदी जो है वो आपका लूनी रिवर है, ठीक है, वो भी बनाई हुई नदी है। और इसके अलावा बहुत सारी विकास के लिए कामें चल रही हैं, जैसे इंदिरा गांधी कैनल का निर्माण किया गया है, इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जो हैं इससे जुड़ी हुई हैं लेकिन उतनी प्रभावकारी नहीं होती हैं। अब आते हैं हम यहाँ के लोगों के लाइफ के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें यहाँ राजस्थान को, राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, वो आपको पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। दूसरा चीज़ है यहाँ की जो पॉपुलेशन है स्पेशली है, यानी कि बहुत दूर दूर पे लोग रहते हैं, जहाँ ओएसिस हो यानी कि पानी की व्यवस्था हो वहाँ लोग रहते हैं, नहीं होते वहाँ लोग नहीं रहते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है यहाँ की जो बड़ी शहरें हैं जो घूमने लायक है वो आपका अजमेर शरीफ है, इसके अलावा अजमेर शरीफ के बाद हम ले लेते हैं उदयपुर है, इसके अलावा जब दरगाह है
अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का। इसके अलावा जैनों का बड़ा मंदिर है। इसके अलावा हिंदुओं का पुष्कर मेला, जो ऊँटों की बिक्री की जाती है, वो यहाँ का प्रसिद्ध मेला है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वहाँ की, लोग यहाँ पे घर में भेड़ बकरी इत्यादि, ऊँट इत्यादि पालते हैं, तथा उनसे उनके खाने के खोज में ये लोग इधर उधर घूमते हैं। और यहाँ पे एक घुमंतू प्रजाति की भी लोग रहते हैं, जिसे बंजारा भी कहा जाता है। ठीक है, और बंजारा एक समूह बनाकर घूमते हैं, जिसे कारवा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके साथ। द पीपुल ऑफ द स्टेट इज स्किल्ड क्राफ्टमैन, राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट। और यहाँ के लोग हस्तकला में भी बहुत माहिर होते हैं, पत्थरों से बहुत सारे आभूषण तैयार करते हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर होती है। इसके अलावा यहाँ की जो प्रमुख ड्रेस है, वो पुरुषों के लिए होता है धोती कुर्ता, और उस पे एक पगड़ी बड़ा सा, और औरतों के लिए होता है घाघरा चोली और ओढ़नी। यहाँ की प्रमुख जो पोशाक हैं वो होते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी है और राजस्थानी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा राजस्थानी बोली जाती है। इसके अलावा हम आगे जानेंगे, और यहाँ की जो फेस्टिवल्स हैं, गंगौर हैं और तीज हैं। और इसके अलावा यहाँ का जो पॉपुलर डांस है, वो घूमर है। तो इस प्रकार से लोग यहाँ के जीवन यापन करते हैं, और यहाँ के लोगों में यहाँ की जो स्थिति है, वह लोग इसके अनुसार एडजस्टेड है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, परिस्थिति वैसी है कि जहाँ पे ये लोग रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि सेंट्स जो होते हैं, गर्मी में जल्दी गर्म हो जाते हैं, जिससे भी इनको दिक्कत होती है। लेकिन सभी के बावजूद लोग यहाँ पे रहते हैं, और खेती यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में होती है। रीजन क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भू क्षेत्र क्या है, मरुस्थल है। और इसके साथ आपका पाठ लगभग ख़त्म हो गया। अब इसके सारे क्वेश्चन आंसर आप प्रयास करेंगे, और अपनी कॉपी में ढंग से सजा के लिखेंगे। सबसे पहले जो आपके बुक में इम्पोर्टेंट डिफिनीशन होंगे, उसको आप कॉपी में करेंगे। उसके बाद आप इसके टेस्ट योर नॉलेज से शुरू करेंगे, ए बी सी करके सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको कहीं समस्या आती है, तो उसे आप अपने फ़ोन के माध्यम से टीचर से कंसल्ट करेंगे। धन्यवाद।